Hello students, how are you? I hope you all are good, bachcho. So today we are going to start a new chapter, which name is Father Abraham Lincoln, Fighter of Slavery. Yes, bachche. Slavery kya hoti hai, bachche? Das, okay? तो दास ना को बोलते हैं स्लेवरी, ओके, जो किसी के अंडर में रहता है और प्रॉपर तरीके से उन्हीं की कमांड को फॉलो करता है और अपना उनकी कोई फ्रीडम नहीं होती, तो वो कहलाते हैं स्लेवरी के बंधन में हैं, ओके, सो स्लेव बोलते हैं बच्चे उनको. तो उससे रिलेट करते हुए फादर अब्राहम लिंकन के ऊपर ये चैप्टर है बच्चे, तो रीड आउट करते हैं. लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. यस, इन एंशियंट टाइम स्लेवरी वॉज अ वेरी कॉमन ट्रेड, बट ग्रेजुअली ह्यूमंस बिगिन टू रियलाइज दैट द लिबर्टी ऑफ अदर्स वॉज एज इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एज देयर ओन, सो दे बिगिन टू फाइट टू एबोलिश स्लेवरी. द अमेरिकन सिविल वॉर, अ ब्रूटल वॉर, वॉज ऑल्सो फॉट टू एंड स्लेवरी फ्रॉम अमेरिका. दिस वॉर वॉज इनिशिएटेड बाय अब्राहम लिंकन, हु हैड टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ स्लेव्स. सो एंशियंट टाइम में बच्चे, मीन्स प्राचीन काल में, बहुत पुराने टाइम में जो स्लेवरी है वो कॉमन ट्रेड माना जाता था, ओके, मीन्स कॉमन होता था, ठीक है, वो हमारा स्लेव है तो कॉमन समझते थे कि हाँ ठीक है, उसकी कोई फ्रीडम नहीं है, कोई इक्वालिटी के बेस पर उसको नहीं रहना, जैसा उसका जो बच्चे मालिक होता है, किंग होता है, जो भी उसका राजा होता था, वो जैसे चाहे उसको रख सकता है, इवन वो भूखा भी रख सकता है उसको, चाहे खाना ना दे, लेकिन इस चीज़ को उस टाइम पे कॉमन ट्रेड समझा जाता था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, जो ह्यूमन है उनको रियलाइज़ हुआ कि लिबर्टी जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और वैल्यूएबल भी है, इसलिए सबको मिलनी चाहिए. और फिर इसके लिए फाइट स्टार्ट हो गई, मीन्स जितने भी स्लेव्स थे उन्होंने फाइट स्टार्ट की, तो लोगों ने उनका साथ दिया जो पढ़े लिखे थे, जो इम्पोर्टेंट समझते थे इस चीज़ को कि ह्यूमंस की भी स्लेवरी से मुक्त होनी चाहिए, उन्हें भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, तो धीरे धीरे इसको एबॉलिश किया जा गया. तो एबॉलिश में इस मतलब बच्चे ख़त्म करना. एंड अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर जो एक ब्रूटल वॉर थी बच्चे, वो लड़ी गई थी स्लेवरी के अगेंस्ट अमेरिका से ही. और ये वॉर में इनिशिएटेड किसने द्वारा लिया गया बच्चे, अब्राहम लिंकन के थ्रू, ओके, तो अब्राहम लिंकन ने इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस किया था, स्लेव्स के फ्रीडम के लिए. देन अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलम्बस एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, एंड टिल देन नोबडी न्यू अबाउट इट. आफ्टर इट्स डिस्कवरी अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस रश टू वर्ड्स द कंट्री एंड सेटल्ड देयर बिकॉज देयर वर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. न्यू कॉलोनीज एंड टाउन्स विद रोड्स वर बिल्ट वेयर देयर वर फॉरेस्ट. फॉर सम ईयर्स एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली, बट आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अ एग्रीमेंट्स बिटवीन द सेटल्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. द सेटलर्स डिड नॉट वॉन्ट दैट लॉज एंड टैक्सेस टू विच दे हैड नेवर कंसेंटेड शुड बी इम्पोज्ड अपॉन दैम बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट. दिस लेड टू अ वॉर वेयर द इंग्लिश गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड एंड द अमेरिकन कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट. They now became the United States of America, ruled by a president of their own who was elected by the people for 4 years. Yes, bachche. So, America ko discovered kya tha bachche, kiske through? Columbus ke through. Aur 15th century ke end mein. Usse pehle कोई नहीं जानता था, ओके, अमेरिका को. और डिस्कवरी के बाद लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस अब धीरे धीरे क्या कर रहे थे, रश्ड कर रहे थे उस कंट्री की तरफ, सेटल होने की कोशिश कर रहे थे. अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको, और न्यू कॉलोनीज थी, टाउन्स थे, रोड बने हुए थे, ओके, एंड वेयर देयर वर फॉरेस्ट, और जहाँ पर फॉरेस्ट थे वहाँ पर रोड, कॉलोनीज, टाउन्स बना दिए गए थे. और साथ साथ बच्चे सम ईयर्स एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली, और धीरे धीरे सब स्मूथ होता चला गया. और फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेटलर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट होने लगे. जो सेटलर्स थे वो नहीं चाहते थे किसी लॉज, किसी टैक्सेस को फॉलो करना, किसी भी तरह के टैक्सेस को देना. एंड इससे क्या हुआ बच्चे, वॉर स्टार्ट हो गई, युद्ध स्टार्ट हो गया, जहाँ पे इंग्लिश गवर्नमेंट को डिफीट किया गया अमेरिकन कॉलोनीज, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए. उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, वॉर स्टार्ट हुआ ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए. एंड बिकेम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रेडी हो गया, एंड इसमें रूल किया सबसे पहले बाय द प्रेजिडेंट ऑफ देयर ओन who was elected by the people. और 4 साल तक उन्होंने अपना राज किया, मतलब उन्होंने रूल किया कंट्री को. अब्राहम लिंकन belonged to a poor family and spent his boyhood and early youth in a log cabin.
ही हेल्प हिज फादर इन चॉपिंग ट्रीज द प्लाइंग फील्ड्स और बिल्डिंग और रिपेयरिंग देयर कैबिन्स ही लव्ड हिज मदर डियरली हु वॉज अ वेरी फेयरलेस ब्रेव एंड वाइज लेडी शी हैड ऑल्सो अ डॉटर नेम्ड सरहा She used to tell wonderful tales to her children when their day's work was over until they slept. But unfortunately, she died when Abraham was only 11 years old. He remembered her saying that all that I am or hope to be, I owe to my ancient mother. Then Abraham Lincoln के बारे में बताया गया है बच्चे कि वो पूरे फैमिली से बिलोंग करते थे, में से गरीब परिवार से वो बिलोंग करते थे और बचपन में ही ठीक है वो क्या करते थे अपने फादर की हेल्प कराना लाइक चॉपिंग ट्रीज कराना प्लाइंग फील्ड कराना बिल्डिंग्स में रिपेयरिंग में कैबिन की रिपेयर की जाती थी तो उसमें हेल्प कराते थे और अपनी मदर से तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे एंड वो कैसी मदर थी बच्चे वेरी फियरलेस ब्रेव एंड वाइज लेडी ओके मीन्स उनकी मदर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो किस तरह की लेडी थी और शी हैड ऑल्सो अ डॉटर और उनके एक बेटी भी थी जिसका नाम था सरहा और वो हमेशा वंडरफुल टेल्स अपनी बच्चियों को सुनाते रहती थी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी सोने से पहले लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दुर्भाग्यवश शी डाइड व्हेन द अब्राहम वाज ओनली 11 इयर्स ओल्ड एंड उनको याद है वो क्या बताती थी और क्या कहती थी कि ऑल दैट आई एम और होप टू बी आई ऑफ टू बी एंजल मदर He used to read by the firesides at night, but he had no pen, ink, slate or pencil. He used to show off his father as paper and pieces of burnt wood as pencil. He had only three books, Aesop's Fables, Pilgrim's Progress and the Bibles. और वो क्या करते थे बच्चे रीड करने की उनको आदत थी बाय द फायर साइड एट नाइट ओके रात में फायर साइड के बैठ में और बैठ के वो रीड करते थे देन ही हैड लेकिन रीड तो करते थे उसके इनके पास कोई पेन नहीं था इंक नहीं थी कोई स्लेट नहीं कोई पेंसिल नहीं क्योंकि हमने देखा वो पूरे फैमिली से बिलोंग करते थे तो उनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो क्या करते थे ही यूज टू शॉवल ऑफ हिज फादर एज पेपर एंड पीसेज ऑफ बर्नट वुड एज पेंसिल और उनका यूज करते रहते थे और इन्हीं बेस पर उन्होंने तीन बुक थी उनकी जिनका नाम है बच्चे एशॉप्स फैबल्स पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड द बाइबल ये उनकी बुक है बच्चों अब्राहम ग्रू अप टू बी अ गैंगली यंग मैन He was 6 feet 4 inches tall with long lean legs and arms and brown hair on his head. Now, two very important events took place which proved to be turning points in his life. Abraham, बच्चे, gangly क्या होता है? गठीले शरीर वाला व्यक्ति, okay? Means वो इतने लंबे थे, गठीले व्यक्ति थे, तो ऐसे व्यक्ति को gangly young man बोला जाता है. आप देख रहे हो 6 feet 4 inches उनकी height थी, कितने लंबे थे ना, okay? 6 feet 4 inches काफी length हो जाती है बच्चे. Lean legs थे उनके, arms, brown hair थे उनके head पर, और ये सबसे ज़्यादा important आप बोल सकते हो two event इनकी life में आए थे जो इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए बच्चे वन डे ही हर्ड अ मूविंग स्पीच मेड बाय अ लॉर्ड इन डिफेंस ऑफ हिज क्लाइंट हु वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर हियरिंग इट ही थॉट दैट देयर वाज ग्रेट पावर ऑफ ह्यूमन स्पीच सो देन एंड देयर ही मेड अप हिज माइंड टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर्स एंड बिगिन टू प्रैक्टिस बाय एड्रेसिंग हिज फ्रेंड्स और बाय आर्ग्यूइंग विद देम Soon he became an expert in speaking and could easily move 1,000 herds. The second event shook the feelings of pity in his heart. Once he saw black men and women working hard in plantations, clearing both banks of the rivers or carrying enormous loads to or from the landing stage. If they fumbled or stopped to wipe the sweat on their brows, the white in charge would mercilessly whip them till blood came out of their bodies. Lincoln had never imagined that one man could be so cruel to another. In the market of New Orleans, he saw black men, women and children being bought and sold like cattle. So he cleaned his face and said to himself, whenever I get the chance to hit at slavery, I will hit hard. So बच्चे जो हम two events की बात कर रहे हैं एक बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट्स आए थे उनकी लाइफ में तो एक बार क्या होता है बच्चे उन्होंने कुछ सुना मूविंग स्पीच बाय मेड अ लॉयर जो डिफेंस कर रहे थे क्लाइंट को और क्या कह रहे थे हु वाज ऑकर्स ऑफ मर्डर कि मतलब जिसने मर्डर किया था उसको बचाव के लिए उसके डिफेंस के लिए लॉयर कोई स्पीच दे रहे थे
देन वो सुनते हैं और क्या सोचते हैं, ही थॉट दैट देयर वॉज अ ग्रेट पावर इन ह्यूमन स्पीच, कि ह्यूमन स्पीच जब देता है, मीन्स कोई भी ह्यूमन बच्चे कोई भी स्पीच दे रहा है तो उसके अंदर एक ग्रेट पावर होती है. एंड देन देयर ही मेड अप हिज माइंड टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर, और कहीं ना कहीं उनको ये देख के लगा कि ग्रेट स्पीकर होना एक प्रैक्टिस के तौर पर होता है. वो एड्रेसेस करता है उनके फ्रेंड्स को आर्ग्यूइंग के थ्रू, और जल्दी ही वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने लग गए स्पीकिंग में. इजीली मूव अ थाउजेंड हार्ट्स, ताकि हम थाउजेंड्स हार्ट्स को इजीली मूव कर पाए बाय स्पीच. द सेकेंड इवेंट क्या आया बच्चे, सेकेंड इवेंट उन्होंने देखा, उनको काफ़ी पिटी जब फील हुआ था और उनका एक बोलते हैं बहुत ज़्यादा दिल दुखा था. क्या चीज़ देखकर, जब उन्होंने देखा कि किस तरह से जो ब्लैक मैन है, ठीक है, वो लोड को कैरी किए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं बहुत हार्ड तरीके से, मैन भी लगे हुए हैं, वीमेन भी लगे हुए हैं, क्लियरिंग कर रहे हैं बोथ द रिवर्स एंड कैरिंग कर रहे हैं एनॉर्मस लोड्स को फ्रॉम देयर लैंडिंग एंड स्टेजेस तक, और साथ में वो अपना तब तक रुकते ही नहीं है, काम करते ही रहते हैं, इवन उनके स्वेटिंग हो रही है, ब्रोज पे आई हुई है और कहीं ना कहीं उनको ब्लड भी निकल के आ गया है. मतलब इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो देख रहे हो जैसे इनके मुंह से दिख रहा है बच्चे, तो मतलब पूरा ब्लीडिंग भी होने लग गई है, इतना काम कर रहे हैं. और ये चीज़ देखकर उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनका दिल दुखा था, उनको पिटी फील हुआ था, और तब उन्होंने कुछ सोचा था कि कहीं ना कहीं मुझे स्लेवरी को हिट करना होगा. अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं कैसा हिट करने वाला हूँ, आई विल हिट हार्ड. सून ही वॉज मेड द मैनेजर इन अ स्टोर, बट ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इट बिकॉज ही वॉज नॉट अ बिजनेस मैन एट हार्ट. He wanted to make democracy real by bringing freedom to the slaves. At the stores, he was often lost in his dreams or amused his customers by telling various stories one after another. One day, when he was lost in his dreams, he gave a woman short weight of tea. The woman went away without knowing it, but he realized his mistake the next day. He packed up more tea and rushed to the woman who was pleasantly surprised at his honesty. और जल्दी ही उन्होंने क्या किया बच्चे, ही वॉज मेड द मैनेजर इन ए स्टोर. ओके, उनको स्टोर का मैनेजर बना दिया गया. लेकिन कहीं ना कहीं ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि उनको क्या इंटरेस्ट था, ही वॉज नॉट अ बिजनेस मैन एट हार्ट. मीन्स वो दिल से कहीं ना कहीं बिजनेस मैन नहीं बनना चाहते थे. वो क्या चाहते थे, ही वॉन्टेड टू मेक डेमोक्रेसी रियल, चेंजेस करना, स्लेव्स को फ्रीडम दिलाना, वो उनका मेन एक टारगेट था बच्चे. और उसी चीज़ को सोचते रहते थे कि मुझे क्या करना चाहिए. जब एक बार क्या होता है बच्चे, व्हेन ही वॉज लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स ही गेव अ वुमेन शॉर्ट वेट ऑफ टी, उनको देते हैं और वुमेन वहाँ से चली जाती है. तब उनको रियलाइज होता है अपनी मिस्टेक का नेक्स्ट डे, एंड वो पैक कर देता है ज़्यादा टी. ठीक है, मिस उसने पहले कम दिया था तो अब वो ज़्यादा टी पैक करता है. एंड रश टू द वुमेन हु वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज एट हिज ऑनेस्टी, और फिर उसको देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है उसकी ऑनेस्टी को देखकर कि इसने कितना कल कैसे की गलती की थी और आज कैसे अपनी गलती को सुधारा है, मिस इम्प्रूव करा है. Later, he changed his professions one after another, and in the end, he became a successful lawyer. People crowded the courts to hear him. He accepted only the right cases and never pleaded wrong cases. Thus, he became popular among the people as a very honest man, cheerful, kind, and well-wishers of all without by distinctions. These merits helped him in winning the election to the state assembly, but Lincoln was still the same decent and drawn to earth person. The people predicted that he would fail in the bigger world of New York. Then, बच्चे उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया था, मैनेजर बन गए थे, अब वो लॉयर बन गए थे बच्चे, और एक सक्सेसफुल लॉयर थे. वो हमेशा कोर्ट में अच्छी चीज़ों को, मिस हमेशा जो ऑनेस्ट वाली चीज़ें होती थी, राइट चीज़ें होती थी, उनको ही प्लीड करना पसंद करते थे, राइट केसेस को ही सुनना पसंद करते थे और उनको ही एक्सेप्ट करते थे, जिसमें लोग कहीं ना कहीं उनको क्या समझते थे, काफ़ी ऑनेस्ट मैन, चीयरफुल, काइंड, वेल विशर बन चुके थे वो लोगों के बीच में. और ये चीज़ें उनको विनिंग दिला रही थी इलेक्शन में. एंड दीज मैरिट्स हेल्प्ड हिम इन विनिंग द इलेक्शन, स्टेट असेंबली में वो जीत चुके थे. एंड लिंकन वॉज स्टिल सेम डिसेंट, अभी भी वो डाउन टू अर्थ ही थे और लोगों को वैसे ही नज़र से वो देखते थे और गरीबों की हमेशा मदद करने के लिए वो तत्पर ही रहते थे. बट व्हेन ही अराइव्ड इन न्यूयॉर्क ही मेड अ स्पीच अगेंस्ट स्लेवरी इन सच अ टोन दैट मूव द हार्ट ऑफ हिज मॉकर्स ऑल्सो, दे वर ऑल्सो मूव टू सिंपैथी फॉर द स्लेव्स. ही आर्ग्यूड दैट एवरी मैन
Whatever his color had the right to be free. He wanted slavery to be abolished because he thought that it was wrong for one man to own another. The nation showed its confidence in Lincoln and gave its verdict against slavery by electing him president of the United States in 1860. और जब वो न्यूयॉर्क में आए बच्चे तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने स्पीच देना शुरू किया स्लेवरी के अगेंस्ट में जाकर, ताकि स्लेवरी को खत्म किया जाए, और लोगों को उन्होंने समझाना शुरू किया कि हमेशा सिंपैथी रखे स्लेव्स के लिए और उनको किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट ना करें उनके कलर के बेसिस पर, और राइट टू बी फ्री है उनको भी, मीन्स उनको भी फ्री रहने का राइट है, और वो चाहते थे स्लेवरी को हमेशा के लिए एबॉलिश करना, क्योंकि वो सोचते थे एक मैन दूसरे मैन पर कभी भी गलत तरीके से उसकी फ्रीडम को नहीं छीन सकता, उसके ऊपर अपना दबाव या प्रेशर नहीं बना सकता. ओके, देन नेशन जो कॉन्फिडेंस तरीके से लिंकन जिस चीज को हमेशा सपोर्ट करते थे, मीन्स उन्होंने हमेशा स्लेवरी को ही बातें की, स्लेवरी को ही खत्म करने की, एबॉलिश करने की बातें की, जिसके थ्रू ही इलेक्टिंग उनको किया गया एज अ प्रेसिडेंट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स में 1860 में बच्चे. बट द सदर्नर्स थ्रेटन्ड दैट दे वुड फॉर्म अ न्यू कंट्री ऑफ देयर ओन इफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वॉज फोर्स्ड अपॉन दैम. दे बिगेन अ वॉर विच कंटिन्यूड फॉर 4 years, बट लिंकन fought it bravely. His terms of 4 years presidentship was over, yet the people re-elected him for another term. और सदनर्स जो थे बच्चे वो उनको धमकी दे रहे थे कहीं ना कहीं. थ्रेटन क्या होता है, धमकी देना, और उन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दी थी, वो नहीं चाहते थे स्लेवरी को खत्म करना, इसलिए उन्होंने वॉर शुरू की और जो 4 साल तक बच्चे फोर ईयर्स तक कंटिन्यू चलती ही रही. लेकिन लिंकन ने ब्रेवली तरीके से उसको लड़ा, मीन्स बहादुरी तरीके से ही हमेशा युद्ध का सामना किया और उन्होंने हार नहीं मानी, जिसकी वजह से उनको दोबारा से ही री इलेक्ट किया गया. द वॉर एंडेड इन अप्रैल 1865 ब्रिंगिंग अ ग्लोरियस विक्ट्री टू लिंकन. द होल नेशंस heaved a sign of relief. The black men, women and children freed from slavery were filled with gratitude for fathers Abraham. There were rejoicings all over the country except in South. और जो वॉर है बच्चे वो अप्रैल 1865 में एंड हो जाती है और ग्लोरियस विक्ट्री लेकर आती है लिंकन के लिए. होल नेशन काफी खुश होता है, रिलीफ महसूस करता है. ब्लैक मैन, वीमैन, चिल्ड्रन, वो तो पूरा स्लेवरी से बिल्कुल आजाद हो चुके होते हैं और कहीं ना कहीं वो उनको फादर अब्राहम बोलने लगते हैं ग्रेटिट्यूड के तौर पर. और रिजॉइसिंग ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट द साउथ. बट विद दिस ग्रेट मिशन लिंकन इज इन हिज World was also over. After 5 days of his famous victory, one day in the evening, he went to the theaters with his family members. He was watching the play when a man stole behind him, fired a bullet at Lincoln's head and sprang onto a stage shouting, "The South is avenged, so always with tyrants." Thus, Lincoln could not escape the irony of fate and became immortal as the greatest freedom fighters of slavery. तो एक बार ग्रेट मिशन के लिए बच्चे जो उन्होंने ले लिया था उसके साथ लिंकन्स डेज के अंदर ही वो मतलब पूरे वर्ल्ड में बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी फेमस हो चुके थे. और 5 days ऑफ फेमस विक्ट्री के बाद एक दिन वो इवनिंग में अपनी फैमिली के साथ थिएटर में जाते हैं. ओके, क्या देखने के लिए, कोई प्ले देखने के लिए, जहां पर एक मैन है वो स्टॉल कर लेता है, चुरा लेता है बिहाइंड हिम एंड fired a bullet at Lincoln's head. Okay, और fired कर देता है bullet से Lincoln के head पर, sprang onto stage shouting. So उस व्यक्ति ने बोला बच्चे the South is avenged, so always with tyrants and Lincoln. तभी thus Lincoln could not escape, कहीं ना कहीं उसको escape नहीं कर सकते, और irony of fate मानते हुए, और वो immortal तरीके से ही जाने जाते हैं. किस रूप में बच्चे, greatest freedom fighter of slavery के रूप में आज भी उनको जाना जाता है all over world में. तो यहाँ पे chapter बच्चे Abraham Lincoln का, किस तरह से वो motivate हुए, किन चीजों से, और starting से उन्होंने जो सोचा था वो करके भी दिखाया, और किसी भी चीज से वो लड़े नहीं, bravery तरीके से उन्होंने slavery का सामना भी किया, और इस तरह से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान भी गवा दी, और आगे चलकर किस तरह से वो पूरे वर्ल्ड में अब फेमस हो चुके हैं और लोग उनको जानते हैं और लोग उनको भगवान के रूप में पूछते भी हैं. तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है बच्चे, दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज. डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स.